we have all the time in the world right now. But iska matlab ye thodi hai ki kuch bhi dekh ke apna time kaat le. No. That's not acceptable at all. Achhi movies, achhi web series aur bahut sara personal space. Bas yahi to chahiye filhal ke liye. I know last wala possible nahi hai, but baki do to hain. Kaise? Aaiye hum aapko batate hain. एडिटिंग सब कुछ A1 है एंड इस मूवी की सबसे बेस्ट चीज है इसका सस्पेंस जो एंड तक लोगों को मूवी के साथ जोड़े रखता है. जब आपको लगेगा कि मूवी प्रेडिक्टेबल होने वाली है तभी कोई नया ट्विस्ट एंड टर्न आपका आगे वेट कर रहा होगा. अनलाइक अ स्टूपिड बॉलीवुड इस मूवी में भी रोमांस है बट लिमिट का. ये नहीं कि रोमांस के चक्कर में मूवी का प्लॉट ही भटका दिया हो. नाउ टॉकिंग अबाउट द मूवी इन शॉर्ट, इस मूवी का विलेन विष्णु हैदराबाद के सुपर कॉप को ओपन चैलेंज करता है टू प्रूव हिज वर्थ एज अ सुपर कॉप. उसके लिए विष्णु प्लान्स टू किल 5 पीपल एंड चैलेंजेस आदित्य कि अगर वो उन मर्डर्स को नहीं रोक पाया तो उसे अपने सारे मेडल्स और सारे अवार्ड्स वापस करने पड़ेंगे और ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट ही इज नो मोर अ सुपर कॉप. द क्वेश्चन इज क्या विष्णु सीरियसली एक मर्सीलेस क्रिमिनल है या फिर विष्णु सिर्फ उन 5 लोगों को ही क्यों मारना चाहता है? क्या आदित्य विष्णु को रोक पाएगा या फिर उसे अपनी रेपुटेशन डिफीट करके ही उसे रोकना पड़ेगा? अगर इन क्वेश्चन से आप जानना चाहते हैं आंसर तो प्लीज जरूर अपने 2.5 hours जाके देखिए और इन्वेस्ट करिए डीपर. नाउ कमिंग टू द थिंग्स जो थोड़ी बेटर हो सकती थी इस मूवी में एंड द फर्स्ट वन इज The incomplete presence of the characters of Apurva and Saiba. Apurva, जो अदिता की girlfriend होती है, and Saiba, विष्णु की wife होती है. They both are potential characters, but उनको जिस तरह से दिखाना चाहते थे वैसे नहीं दिखा पाए. And उनका screen time भी बहुत ज्यादा कम था. Second thing, अगर आप लोग बहुत ही crazy fan हो crime thriller movie के और आप शुरुआत से ऐसी movies देखते हुए आ रहे हैं तो I guess आप कहीं ना कहीं इसके suspense को या इसके twist and turns को guess कर सकते हैं. तो आई थिंक उन ट्विस्ट एंड टर्न्स भी थोड़ा काम किया जा सकता था. सो इन शॉर्ट दिस इज इन द पॉपकॉर्न मूवी वी डिजर्व बट द वन वी रियली नीड राइट नाउ. बट इस मूवी में कुछ मैसेजेस भी हैं दैट देयर इज समथिंग गुड इवन इन अ बैड पर्सन या फिर अगर मूवी की भाषा में बोला जाए देन देयर इज समथिंग बैड इवन इन अ गुड पर्सन. कुछ भी गलत काम करने के पीछे सबका अलग और सबका अपना रीजन हो सकता है. इट ऑल्सो शोज सम रियल साइड ऑफ द करप्टेड पीपल प्रेजेंट एवरीवेयर जिसकी वजह से इनोसेंट लोगों को सफर करना पड़ता है. इस मूवी को हम देंगे 1 जिग्सॉ पजल क्योंकि इस मूवी को देखते समय व्यूअर्स की हालत बिल्कुल एक जिग्सॉ पजल जैसी हो जाती है कि पीसेस सब है सॉल्यूशन सब है बस कंफ्यूजन ये है कि कौन सा पीस कहां फिट करा जाए. सो अगर आप बहुत टाइम से एक एक्शन थ्रिलर मूवी देखना चाहते हैं तो
आपको सजेस्ट करते हैं क्योंकि इस मूवी से आपकी 2 hours कहीं वेस्ट नहीं होगी। एंड जैसा हम हर बार कहते हैं, हम इस बार भी कहेंगे, डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब आवर वीडियो एंड आवर चैनल।